अस्सलामु अलैकुम, आप सबका रुबाज ऑल इन वन किचन में एक बार फिर वेलकम है। आज हम हमारे किचन में गर्मियों की बहुत ही फेमस डिशेस बना रहे हैं। मतलब कि क्या होता है कि जो आम आते हैं या केरियां आती हैं तो हमारा बहुत दिल चाहता है कुछ खट्टा खाने का, केरियों से हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं हमारे किचन में आम पन्ना, जिसके लिए हमने लिए हैं आधा किलो केरियां और इसको हम जल्दी से बॉयल करेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ हमें करना क्या। तो ये देखिए आम बॉयल हो चुके हैं, अब मैं इसको निकाल के ठंडे होने के बाद आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है उसके बाद। तो ये देखिए कितने अच्छे से बॉयल हो चुका है, आपको दिख रहा होगा, मैं आपको ऐसे निकाल के दिखाती हूँ, ये देखिए आराम से। ठीक है, अब हम इसको पूरा इसका माल माल पूरा आप लोग जो भी बोलते हैं इसे अच्छे से निकाल लेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, फिर देखिए मैंने इसका वो निकाल दिया, मतलब भुट्टी और सब पूरा पेस्ट बन गया। अब हम इसमें डालेंगे कितना, ये डालेंगे हम काला नमक। ठीक है, ये है 1 टेबल 1 टीस्पून या 2 टीस्पून जितना होगा। ठीक है, काला नमक डाल रही हूँ तो मैं नमक नहीं डाली इसलिए मैंने काला नमक ज़्यादा डाला। ये देखिए आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा पुदीना, 1 टीस्पून जितना जीरा पाउडर। ओके, अब ना आप लोग, मैं तो इसमें लाल मिर्च नहीं डालती, आप लोग के ऊपर है कि आप लाल मिर्च डालें। और हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप जितनी चीनी। ठीक है, और हम इसे ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। तो ब्लेंड करने के बाद क्या करेंगे हम आपको ब्लेंड करने के बाद दिखा देंगे। तो ये देखिए जैसे पेस्ट बन गया अच्छे से, अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे ताकि मतलब जो होती है ना आपकी घुटली रह जाती है, घुटलियाँ बन जाती है, स्मूथ सा जो पेस्ट नहीं बना, ये जो एक्स्ट्रा है वो बाहर बाहर रह जाए और हमारा सब ऐसे अच्छे से निकल जाए। तो ये देखिए कितना स्मूथ हो गया, बस इसकी स्मूथनेस के लिए और मतलब एक्स्ट्रा सारा कचरा निकल जाए इसीलिए हम इसे स्ट्रेन करते हैं। अब क्या करेंगे ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी। ओके, अब हम इसमें डालेंगे इसका आधा और हम चेक करेंगे कि आधे में हमारा मिक्स कर लें अच्छे से। ओके, बड़े चमचे से, ये चमचा छोटा है, मैं बड़े चमचे से मिक्स करके बताती हूँ इसका कलर कैसा हो जाता है। अब ना इसमें अगर आपको साबुत पुदीना मिक्स करने के बाद डालना है एक फ्लेवर देने के लिए तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, अब हम इसे मिक्स करके बताते हैं और फिर चक्के में बताऊंगी कि ये आम पन्ना कैसा बना है। ओके, तो ये देखिए मैंने इसके अंदर फुल पेस्ट डाल दिया था। ओके, और इसको दिख रहा हूँ कलर कितना अच्छा आया है और इतना ठंडा ठंडा। अब आपको इसी तरीके से ठंडा ठंडा सर्व करना है। ओके, अच्छे से ये मिक्स भी हो चुका है, अब हम इसे सर्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन दबाना है ताकि आप लोग को अपडेट मिल सके कि मैं कौन सी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ। इसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको मेरी रेसिपीज, वीडियोस, ब्लॉग सब कैसे लगते हैं और ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग अगला क्या देखना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद होता है, आप वहाँ क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और हम इसे एंजॉय करें।